हेलो दोस्तों, पटियाल सिख चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नूबिया के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है दोस्तों नूबिया का रेड मैजिक 5G। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नूबिया रेड मैजिक 5G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में साथ साथ जानेंगे इसकी इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। सो इस वीडियो में आगे बन रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स का, और आई होप आप ये पूरा करवा दोगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ऐसा होने वाला है हमारे नूबिया रेड मैजिक 5G का कुछ फर्स्ट लुक, जहां पर आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप पीछे देख ही रहे होंगे, आपको पीछे की तरफ कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। साथ साथ इस फोन में आपको RGB लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। साथ साथ रियर में आपको X टाइप का जो डिजाइन है वो भी देखने को मिल गया होगा पिक्चर में। अब बात कर लें इसकी स्पेसिफिकेशंस की। सो सामने की तरफ आपको इसमें 6.65 इंचेस की एक FHD+ वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि आने वाली है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ऐसा जो डिस्प्ले होने वाली है वो होने वाली है एक पंच होल डिस्प्ले, और जो पंच होल होने वाला है वो प्लेस्ड होने वाला है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। अब बात कर लें इस फोन के रिफ्रेश रेट की, तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि ये पहला फोन बन जाएगा जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये जो रिफ्रेश रेट था ये आपको गेमिंग लैपटॉप या PC मॉनिटर्स में देखने को मिलता था। बात कर लें इस फोन की, सो ये फोन 5G सपोर्ट करता है, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और हालांकि ये गेमिंग फोन होने वाला है, सो इसमें तो आपको टॉप क्लास का प्रोसेसर देखने को मिलना ही था। अब बात कर लें इसके रियर कैमरास की। सो रियर में आपको इसमें 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है सोनी के IMX686 वाले सेंसर के साथ, जिसमें जो प्राइम सेंसर होने वाला है वो होने वाला है 64 MP का, प्लस 12 MP का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है 10x जूम के साथ। साथ साथ आपको इसमें रियर में एक 8 MP का डेप्थ सेंसर या फिर आपको एक अल्ट्रावाइड लेंस भी देखने को मिल सकता है। सामने की तरफ आपको 20 MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। साथ साथ ये फोन आता है 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ। साथ साथ 80W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इस फोन के साथ देखने को मिल सकता है। अब बात कर लें इस फोन की इंटरनल्स की। सो इसमें आपको 16GB की रैम तक का LPDDR5 वाली रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 512 या 712GB तक की UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। सो इसमें आपको कोई भी SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लें इसके वेरिएंट्स की। सो एक इसका वेरिएंट होने वाला है 8GB से 128GB, दूसरा वेरिएंट होने वाला है इसका 12/256, और तीसरा जो वेरिएंट हो सकता है वो हो सकता है प्रीमियम एडिशन, जो कि होने वाला है 16GB रैम और दोस्तों 512 या 712GB की स्टोरेज। सो ऐसे में जो प्राइस स्टार्ट होने वाली है इस फोन की वो ब्लैक शार्क 3 को टक्कर देने के लिए आ रहा है ये फोन चाइना में 12 मार्च को, तो वो प्राइस हो सकती है 35,000 से 40,000 के आसपास, और हाईएस्ट वेरिएंट आपको 50,000 मतलब ब्लैक शार्क 3 प्रो को कम्पीट करते हुए देखने को मिल सकता है। सो अब बताइए कि आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन कैसी लगी, और क्या ये कम्पीट के करने के लिए आ सकता है ब्लैक शार्क 3 को, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। और अगर आप उसकी लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो वो लाइव स्ट्रीम आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और इसकी लाइव स्ट्रीम भी 12 मार्च को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और ये फोन इंडिया में एंड ऑफ मार्च या अप्रैल में लॉन्च हो सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।